क्रिकेट में ऐसे काफी कम खिलाड़ी होते हैं जिन्हें उनके करियर की शुरुआत में ही भविष्य का सितारा करार दे दिया जाता है। इनमें से कुछ खिलाड़ी तो आगे बढ़ जाते हैं, वहीं बाकियों को इतनी सफलता नहीं मिल पाती। आज हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर की शानदार शुरुआत की लेकिन आगे जाकर गुमनाम हो गए। उन्मुख चंद का नाम सबसे ज्यादा मीडिया में तब छाया जब उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 में जीत दिलाई थी। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्मुख चंद ने 111 रन की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि वो अपनी सफलता को आईपीएल में नहीं दोहरा पाए। इस दौरान वो आईपीएल में अलग अलग टीमों के लिए खेले लेकिन फ्लॉप रहे। दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा और वो जल्द ही दिल्ली की टीम से बाहर हो गए। पॉल वलथाटी को अक्सर आईपीएल का वन सीजन वंडर कहा जाता है। आईपीएल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में किंग्स 11 पंजाब के सामने 189 रनों का मुश्किल लक्ष्य था। ऐसे में पंजाब के लिए खेलते हुए पॉल ने सिर्फ 63 गेंदों में 120 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उनकी इस पारी ने उनको रातों रात सितारा बना दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन इस सीजन में जारी रखा। हालांकि इसके अगले सीजन में वो फ्लॉप रहे और साल 2013 में उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला। सौरभ तिवारी ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उन्हें एमएस धोनी का लेफ्ट हैंडेड वर्जन कहा गया था। उन्होंने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। हालांकि वो भारत के लिए सिर्फ 3 वनडे खेल पाए। इस दौरान आईपीएल में जरूर सौरभ तिवारी लगातार खेलते रहे, हालांकि कभी भी वो उन अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। नमन ओझा को धोनी के बाद विकल्प के रूप में भारत के अगले विकेटकीपर के रूप में देखा गया था। जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो नमन ओझा को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिल गई। हालांकि वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद जल्द ही उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल में भी वो विभिन्न टीमों के लिए खेलते नजर आए लेकिन अपनी बल्लेबाजी से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। सरफराज खान ने जब आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत की थी तब लगा था कि वो सच में एक बड़े क्रिकेटर के रूप में स्थापित होने वाले हैं। यहां तक कि बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली भी उनसे काफी प्रभावित थे लेकिन सरफराज आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। घरेलू क्रिकेट में भी वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। इस साल के आईपीएल में सरफराज किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।